तो जैसा कि आप जानते रहो कि ये 11th की लास्ट वीडियो है, ये नोट्स हो जाएगी, फिर मैं 11th का कोई सिलेबस डालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि IT की बुक मतलब 4 लेसन थे वो खत्म हो गए। SOP मैं नहीं लेने वाला हूँ, तो SOP तो मेरे पास कंप्लीट नहीं, इसके लिए नहीं लेने वाला हूँ। तो अभी 12th की बुक आने वाली है, शायद अप्रैल तक आ जाएगी, तो मैं 12th लूँगा। तो क्या 12th में आप IT के अलावा कोई सब्जेक्ट चाहते हैं? अगर हाँ तो नीचे कमेंट कीजिए कौन सा सब्जेक्ट। और एक सवाल कि मैं 11th में लाइव नहीं गया था, तो क्या 12th में आपको लाइव स्ट्रीम चाहिए या एवरी संडे को आपको कमेंट के आंसर चाहिए? तो ये भी आप नीचे कमेंट पर लिख के बताओ। और जो लाइव स्ट्रीम वाला है वो ऊपर आई बटन में पोल में दिया हुआ है, आप उसमें पोल कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि नोट्स ऑफ साइबर, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। उसमें पहला मतलब जो है वो है डूज फॉर स्टूडेंट इन साइबर। तो हम लोग ने ये वीडियो देखा था डूज एंड डोंट्स में, तो डूज में कोई भी छह लिख देना का, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आइदर द कॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्शन, यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, रिपोर्ट ऑनलाइन बुली इमीडिएटली, ऑब्टेन सॉफ्टवेयर फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स, और ऑलवेज कनेक्ट टू नॉन इंडिविजुअल, चेक द टू सी द वेब एड्रेस बिगिंस विद HTTPS। मतलब कि ये जो आंसर है इसका है, तो सब हम लोग ने डूज देखा था। अगर आपको हिंदी में देखना है तो ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो अभी कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो देखो, यहाँ पे एग्जांपल ऑफ अनऑथराइज एक्सेस, हम लोग ने अनऑथराइज एक्सेस में नीचे एग्जांपल देखे हुए थे। तो इसमें आता है हैकिंग फाइनेंस बैंक अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्टीलिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इलीगल यूज ब्रेक ऑफ लॉगिन पासवर्ड, इलीगल मॉनिटरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ओन बाय अदर यूज़र। तो हम लोग ने ये देखा था अनऑथराइज यूज़र में, नीचे लास्ट में एग्जांपल दिए हुए, 5 दिए हुए, मैंने 4 लिखे हुए, इसमें 4 ही है इसके लिए। तो अभी इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लॉक्स। पर सबसे पहला क्वेश्चन होता है कॉपीराइट वायलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड ओरिजिनली बाय एन इंडिविजुअल। तो कॉपीराइट वायलेशन इसका आंसर आता है, इस क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है कॉपीराइट जो वायलेशन है, मतलब जो वायलेट करता है तो कौन कर सकता है, मतलब क्या है वो साइबर क्राइम अपने को नाम देने का है, तो कॉपीराइट वायलेशन है पूरे, मतलब वो क्वेश्चन में दिया हुआ आंसर। और फिर है गेनिंग एक्सेस विदाउट यूजर परमिशन, अनऑथराइज एक्सेस, जैसे कि आपको मालूम रहेगा अनऑथराइज एक्सेस में बिना पूछे अपन परमिशन ले रहे थे किसी की। और फिर एक्सटेंडिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है ईमेल के जरिए, तो ये फिशिंग हो गया, क्योंकि ईमेल के जरिए जो भी फ्रॉड होते हैं तो वो फिशिंग बोलते हैं उसको। और फिर देखो, ये रीड द फॉलोइंग, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बेस आंसर है। तो पहले राहुल लॉस्ट हिज पेन ड्राइव इन हिज कॉलेज, मतलब राहुल ने उसकी जो पेन ड्राइव है कॉलेज के कंप्यूटर लैब में खो दी। और फिर उसका एक कोई दोस्त माधव, वो जो भी है पेन ड्राइव उसको ढूंढ लिया, और फिर उसने घर पे लेके गया, और फिर उसने देखा वो पेन ड्राइव को कंप्यूटर में अटैच करके उसकी फेवरेट गेम है, तो फिर उसने उसका डुप्लीकेट बना दिया। तो अभी उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डस माधव थिंक इथिकली, तो ये नहीं आएगा, क्योंकि माधव ने इथिकली सोचा रहता तो उसको साइबर क्राइम का शिकार नहीं होता, वो मतलब साइबर क्राइम नहीं करता वो, तो इसके लिए वो इथिकली नहीं सोच रहे हैं। अभी सेकेंड है व्हाट डू यू थिंक माधव शुड डू, मतलब माधव का क्या होना चाहिए, माधव को उसके दोस्त को पेन ड्राइव दे देनी चाहिए थी, और फिर उसको पूछना चाहिए था कि क्या मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद है अगर मतलब ये डुप्लीकेट बना रहे तो उसका मतलब कौन सा साइबर क्राइम हुआ, तो ये होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी, मतलब सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर ही हम लोग डुप्लीकेट बनाते हैं सॉफ्टवेयर का, इसके लिए सॉफ्टवेयर पायरेसी। अभी आंसर इन ब्रीफ है व्हाट केयर शुड बी टेकन बाय द यूज़र व्हाइल डूइंग ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन एक्टिविटीज में क्या अपन करना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट 2 मार्क का आएगा, तो ये मैंने लिखा हुआ है आइदर टू कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो भी डूज के अंदर है तो वो आप लिख सकते हो, या फिर आपका खुद का भी बना सकते हो, लेकिन मैं डूज के अंदर का लिखा हुआ है। और फिर डिफाइन द टर्म इथिक्स एंड मॉरल, मैं हम लोग ने ये दोनों भी कवर किए थे, इथिक्स और मॉरल। इथिक्स मतलब कि सही गलत की पहचान, और मॉरल मतलब कि सोसाइटी से, अभी इथिक्स हम लोग खुद देख बताते हैं कि ये सही है ये गलत है, और मॉरल मतलब कि हम लोग को मालूम पड़ता है हाँ ये सही चीज़ है ये गलत चीज़ है ऐसा। इथिक्स और मॉरल में खाली डिफरेंस नहीं, मतलब इथिक्स अपन खुद से बनाते हैं और मॉरल सोसाइटी से बना कर क्रिएटेड रहते हैं पहले से, और अपन उसको फॉलो करते हैं। और फिर एक्सप्लेन 3 एग्जाम्पल रिलेटेड, अभी इसमें एग्जाम्पल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 मार्क का आएगा, तो 3 है तो 4 लिख दो, ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें देखो, पहला वाला हैकिंग फाइनेंशियल बैंक अकाउंट, ये हम लोग ने देखा था अनऑथराइज एक्सेस के एग्जांपल में, तो इसमें एग्जांपल को एक्सप्लेन करना था, लेकिन 2 मार्क के लिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
अभी एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड हैकिंग, हम लोग ने देखा था साइबर क्राइम के अंदर सॉफ्टवेयर पायरेसी हैकिंग बहुत सारे देखे थे, तो इसमें सॉफ्टवेयर पायरेसी और हैकिंग ही है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी होता है जिसमें अपन सॉफ्टवेयर को डुप्लीकेट बना देते हैं, और हैकिंग मतलब कि बिना पूछे एक्सेस लेना किसी के नेटवर्क में घुस जाने का, वो हैकिंग हुआ। तो अभी देखो ये इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देखो ये ऑब्जर्व करने का डायग्राम और फिर अपने को आंसर दो फिर। तो इसमें ए है जो स्ट्रेंजर है, वो किसी को बोल रहे हैं, बी को बोल रहा है कि उसका ओटीपी दे दो, और बी उसको दे रहा है। तो अभी बी जो है वो सही दे रहा है कि नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन ये। तो आंसर नॉट है, नो लिख सकते हैं या फिर नॉट लिख। और फिर सेकंड क्वेश्चन है मतलब कि अंजाम क्या होगा बी के, बी का अकाउंट हैक हो जाएगा, सिंपल ना, क्योंकि अगर बी ने दे दिया ओटीपी तो बी का अकाउंट हैक हो जाएगा। और फिर विच टाइप्स ऑफ मतलब कौन सा साइबर क्राइम है, मतलब ये पिक्चर क्या बता रहा है, तो ये फेक कॉल फ्रॉड हो सकता है। अभी इसमें दूसरा कुछ हो नहीं सकता, साइबर बुली भी हो सकता है, लेकिन साइबर बुली मतलब थोड़ा अलग हो गया, तो ये फेक कॉल फ्रॉड हुआ, हम लोग ने केस स्टडी में था देखो फेक कॉल फ्रॉड, तो ये वही हो गया, या फिर ओटीपी फ्रॉड बोल सकते हैं उसको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और नीचे लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का।